हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विपुल वीलॉग में। और आज हम लोग हैं म्यांमार यंगून, और मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज यहाँ के एक बहुत फेमस टेंपल में, जो कि है पगोड़ा, दैट इज कॉल्ड पगोड़ा। और मैं आपको पूरा आज टेंपल घुमाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ये यहाँ का बहुत फेमस टेंपल है पगोड़ा, और ये मैं आपको आज घुमाऊंगा अंदर से। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और आप देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटी। बौद्धिज्म कल्चर है यहाँ पे। तो ये गौतम बुद्ध का बहुत फेमस टेंपल है पगोड़ा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर और घुमाता हूँ आज आपको। दोस्तों, ये बुद्ध का बहुत फेमस टेंपल है। इसे लोका, चाम्या, अभया, बुद्धा, मुनि के नाम से भी कहा जाता है। लोका, चान्या, अभया, बुद्धा, मुनि। तो ये पगोड़ा टेंपल है। सो मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ पूरा टेंपल अंदर से। सो लेट्स गो। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अंदर लोका, चंद्रा, अभया, बाना, माना, मुनि टेंपल के अंदर, जो कि पगोड़ा यंगून में स्थित है। मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ। आप इसकी भव्यता यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना भव्य और विशाल है। करीब इसमें 5 लाख लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। फॉरेनर्स के लिए इसमें 5000 KT, जो यहाँ की लोकल करेंसी है, एंट्री फीस है, और यहाँ के लोकल पीपल्स के लिए फ्री है। सो दोस्तों, ये फेमस है यहाँ की बुद्ध प्रतिमा के लिए, गौतम बुद्ध की प्रतिमा के लिए, जो कि वो अंदर ले चलता हूँ और वो हम प्रतिमा अंदर देखेंगे, जो कि बहुत विशालकाय बनी हुई है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो प्रतिमा है, ये करीब 37 फीट ऊंची और चौड़ाई इसकी करीब 23 फीट है। 600 टन से ज़्यादा भारी यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि सिंबल है वर्ल्ड पीस का। और ये इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि यह मूर्ति सिंगल मार्बल से बनी हुई है, और इसे चारों तरफ ग्लास से कवर किया गया है, ताकि उस मार्बल में कोई भी खराबी ना आए और उसकी सुंदरता बनी रहे। सो दोस्तों, ये हम बिल्कुल अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं। मैं आपको फ्रंट से लेके दिखाता हूँ। चलिए, ये है वो विशालकाय मूर्ति भगवान बुद्ध की, जो कि आप देख रहे हैं करीब 37 फीट लंबी है, और ये 600 टन भारी है। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये सिंगल मार्बल से बनी हुई है। और आप यहाँ की सुंदरता नक्काशी आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, और ये यंगून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और आप अगर यंगून हैं, म्यांमार हैं, तो आप इस तरीके के मंदिर बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन ये अपने में ही एक ख़ास स्थान है इसका, जो कि सिंबल ऑफ पीस कहलाता है। आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे मंदिर जहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग की छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, और काफ़ी सुंदर मंदिर है। सो आप इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे, और एक अलग शांति का अनुभव कर सकते हैं यहाँ पे इस मंदिर में, जो कि यंगून में है।
दोस्तों ये था बुद्धा टेंपल यहाँ का पगोड़ा का, और इसका नाम है दोस्तों ये लोका चंद्रा करके पगोड़ा का बुद्धा टेंपल है, और इसकी खूबसूरती आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आप यहाँ पे हों। इस वीडियो में मैंने आप इसकी भव्यता देख सकते हैं, आप पूरा पीछे से कितना खूबसूरत बना हुआ है ये टेंपल। आप अगर आप म्यांमार हों और यंगून जो कि यहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर आप वहाँ पे हैं तो आप ज़रूर घूमिएगा, और आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें, लेकिन मैं इसमें पढ़ नहीं सकता और आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही पीसफुल है, और आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं अपना अच्छा टाइम, और आप भक्ति भाव में लीन हो सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको पगोड़ा का बहुत फेमस टेंपल दिखाया है, यहाँ का लोका चंद्रा बुद्धा टेंपल पगोड़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मैंने जितना बताया आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विपुल वीलॉग।